हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ ग्रेविटेशन। पहले तो ये जो वर्ड है ग्रेविटेशन, आप बोलोगे कि हमने तो सुना हुआ है, इसके बारे में हमें सब पता है, राइट? तो इस चैप्टर में नया क्या सीखना है आपको, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो चैप्टर है, अपने फर्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है ना, कि न्यूटन ने उसके लिए जो लॉ दिया उसके बारे में आपको पता है, और आप उसको ऐसे लिखते हैं ऑफ इजिक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन एम टू मतलब जो दो बॉडीज़ है उनका मास है, और आर जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है। ओके, तो ये हमें पता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपने फोर्स के बारे में, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में ही बात की थी। लेकिन अब हमको पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वो कौन सी होगी वो इस चैप्टर में हमें खास पढ़ना है। इसके सिवा कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने ये जो जी है, कैपिटल जी, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बारे में जो बताया वो भी हमें पढ़ना है। और जब हम बोलते हैं कि अगर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है तो एफ इज इक्वल टू एम जी, इसमें आपने जी के बारे में कुछ सुना होगा, है ना? जी जो है वो एक्सेलरेशन है, तो जो जी है उसकी वैल्यू आप हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं, कभी कभी हम 10 भी लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि जी की जो वैल्यू है, जब हम अर्थ की सरफेस पर बात करते हैं तब जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर तरफ जाए कुछ हाइट पर, या फिर डेप्थ कुछ अंदर जाए, तो जी की वैल्यू चेंज होती है। तो वो कैसे चेंज होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में भी हमें बात करनी है। इसके सिवा इस चैप्टर में हम जो प्लैनेट्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ और भी बातें सीखेंगे, तो वो कैसे, और कोई चीज़ है अगर आपके पास, हम यहाँ से कुछ भेजना चाहते हैं यूनिवर्स में, है ना, तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, किस वेलोसिटी से, किस एनर्जी से हम उसको यहाँ से फेंकें कि वो हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी और उसके अकॉर्डिंग एस्केप एनर्जी बोलेंगे, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको ये अच्छा लगेगा, तो उसकी मैं पहले शुरुआत करती हूँ। तो शुरुआत में पहले इतना समझिए कि ग्रेविटेशन के लिए हमें जो न्यूटन का लॉ पता है तो वो अब हमें पता है, लेकिन उससे पहले जब न्यूटन ने ये नहीं सोचा था तो उसके पहले जो चीज़ थी, मतलब हिस्ट्री बोल सकते हैं, तो वो क्या थी पहले मैं वो बताना चाहती हूँ। तो एक बात सोचिए आप कि हमें इतना तो पहले से ही पता है कि कोई भी चीज़ हो उसको अगर हम ऊपर तरफ फेंके तो वो नीचे ही आती है, तो कोई तो फोर्स होगा जो उसको नीचे के तरफ लाता है, तो वो फोर्स कौन सा था वो पहले किसी को नहीं पता था, है ना? हमें ये भी पता है कि रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो भी नीचे आते हैं। तो सबसे पहले गैलीलियो नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने जो क्या किया, पहले तो ऐसे लिया कि इंक्लाइंड प्लेन लिया, और उस पे से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी मास, उसका कुछ भी मास हो, अलग अलग मास की अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेके उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने देखा कि जब हम ऐसे कोई भी बॉडी है उस पर रखते हैं तो वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आती है, जो उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेम होता है, और उसकी वैल्यू उन्होंने जो फाइंड की थी बाद में, जब हमने ये जो जी की वैल्यू फाइंड की, स्मॉल जी, है ना, तो वो दोनों सेम चीज़ मिली। तो पहले गैलीलियो ने इसके बारे में सोचा, फिर सारे साइंटिस्ट जो है वो प्लैनेट्स कैसे वो, और स्टार्स और सन सब के बारे में वो जो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे उसके हिसाब से वो अपने अपने चीज़ जो है अपने तरीके से समझा रहे थे। तो सबसे पहले टॉलेमी नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो था वो जियोसेंट्रिक बोल सकते हैं उसे, ऐसा एक जो बात बताई उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि सबके जो सेंटर है वो सेंटर में अर्थ है, सबके सेंटर में कौन है, अर्थ, और सन और बाकी सब जो हैं प्लैनेट्स वो उसके आसपास जो सर्कुलर मोशन है वो कर रहे हैं। तो ऐसी बात जो थी वो टॉलेमी ने बताई,
लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जो थे वो सब ने जो ऑब्जर्वेशन लिए तो उनकी बात सच मानी गई नहीं। फिर आर्यभट्ट आए, उन्होंने अपनी एक बुक में उन्होंने इसके बारे में बताया कि सेंटर, सबके सेंटर में जो है वो सन है, सूर्य, और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स और अर्थ सब घूम रहे हैं। तो उसके बाद कुछ सालों बाद, जो हम बोल सकते हैं लगभग 1000 साल बाद बोल सकते हैं, निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने पूरा इसका एक मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि सबके सेंटर में सन है और सन के आसपास सर्कुलर जो पाथ है उस पर सारे अर्थ और बाकी जो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं। ऐसी बात निकोलस कॉपरनिकस ने की। फिर तो सारे जो साइंटिस्ट थे उसके पीछे ही लग गए और सोचने लगे कि कैसे ये सब मोशन जो है, प्लैनेट्स कैसे वो मूव करते हैं, क्या है, वो सब सोचने लगे। कुछ सालों बाद टाइको ब्राहे नाम के एक साइंटिस्ट ने पूरी अपनी, ऐसे बोल सकते हैं, पूरी लाइफ उसके पीछे लगा दी और उन्होंने सोचा कि कैसे ये प्लैनेट्स और सब जो है वो कैसे, उनकी मूवमेंट कैसी है, उसके बारे में सारे ऑब्जर्वेशन लिए और उनको नोट करते गए। फिर उनके ही स्टूडेंट बोल सकते हैं हम, जॉन केपलर। तो जॉन केपलर ने उसके हिसाब से 3 लॉ बनाए जो खास हमें जो प्लैनेट्स हैं उनका जो मोशन है वो कैसा, कैसे वो मूव करते हैं, तो उसके बारे में हमें बताते हैं, जिसे हम केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये केपलर्स लॉ क्या है। तो पहले हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ उन्होंने क्या लिया वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। वो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि इस जो लॉ था, ये जो लॉ था उसके बाद उस पर से ही पता चला कि सारे जो प्लैनेट है वो कौन सी ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं। तो पहले जो है मैं उसका जो शेप है वो आपको बताती हूँ। ये जो है ये इलिप्टिकल बोल सकते हैं इसे आप। इसके जो है 2 सेंटर होते हैं। आप जो बोलते हैं सर्कल जो होता है उसका तो एक ही सेंटर होता है, लेकिन उसको आप थोड़ा ऐसे खींचो, है ना, तो ये जो बनता है उसके 2 सेंटर होते हैं जिसे हम फोकाई बोलते हैं। तो उसके एक सेंटर पे, हम जानते हैं कि 2 सन नहीं है, सन तो एक ही है, तो एक सेंटर पे कौन रहेगा, सन रहेगा। और ऐसा बोला उन्होंने कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स क्या करेंगे उसके आसपास, इसके आसपास क्या करेंगे, इस जो ये पाथ है उस पर वो मूव करेंगे। ऐसी जो बात है उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताई। यहाँ पर जो मैं बोलूँगी, पहले तो ये बताऊँगी आपको कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये उसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये वाली जो है वो है मेजर एक्सिस। उसका जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ए बोलूँ और ये इसको बी बोलूँ, तो ए बी इज इक्वल टू 2a, इसे हम 2a से दिखाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है उसे हम 2b बोलेंगे और वो माइनर एक्सिस है। अगर ये पूरा डिस्टेंस a टू b 2a है और अगर ये उसका सेंटर है o, तो oa और ob वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो वो आपको एक दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स कौन सी, मतलब ये जो है ये कौन सी ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं उसके बारे में उसने बताया। तो यही बात है कि एक, मतलब ये फोकाई है उस पर कौन है, सन है, और सन के अराउंड कौन घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स, और उनका जो ये जो मोशन है, ये जो बोल रहे हैं शेप जो बोल रहे हैं वो कौन सा है, इलिप्टिकल शेप है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये ऐसे हम फर्स्ट लॉ बोलेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, तो एक क्या है, फोकाई पर कौन है, सन है, और उसके आसपास कौन घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स। ओके, तो ये जो है फर्स्ट लॉ है, और वो किसके बारे में हमें बताता है कि उसकी जो मूवमेंट है वो कौन सी ऑर्बिट में हो रही है उसके बारे में ये बताता है। तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ओके, अब मैं बात करूँगी आपको लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ।
देखिए उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फिर से देखिए मैंने ऐसे बता दिया, ये जो इलिप्टिकल है वो यहाँ पे सपोज सन है। पहले मैं इसे समझा देती हूँ। सपोज कोई प्लैनेट है यहाँ पर, कोई एक टाइम पर यहाँ पे है, पी वन उसको मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ से सपोज 5 घंटे हो गए और वो प्लैनेट यहाँ से मूव करके कोई पी टू पर आ गया, ओके कहाँ पर गया, पी वन से पी टू। फिर हम देखते हैं कि वही प्लैनेट सपोज यहाँ पर था, कोई पी थ्री, जो कोई पॉइंट है पी थ्री वहाँ पर था, और वही बोलूँगी मैं 5 घंटे बाद वो जो है वो घूम कर यहाँ पे आता है पी फोर पर, ओके तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो किसे कनेक्ट करती है, सन और प्लैनेट को। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेम टाइम इंटरवल में, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, तो उसने ये जो एरिया कवर किया है वो एरिया और ये एरिया दोनों सेम होते हैं। मतलब एस पी वन पी टू का जो एरिया है, एरिया ऑफ एस पी वन पी टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस पी थ्री पी फोर। मतलब अगर टाइम इंटरवल हमने सेम लिया है तो ये जो एरिया कवर होगा एस पी वन पी टू, हमने सन और प्लेनेट को दोनों को जोड़ के ये लाइन ड्रॉ की है और उसने जो एरिया बनाया, मतलब 5 घंटे में प्लेनेट यहाँ से पी वन से पी टू गया तो इतना एरिया कवर हुआ, वही प्लेनेट पी थ्री पर था 5 घंटे बाद वो पी फोर पर पहुँचा तो इतना एरिया कवर हुआ। तो अगर हमने टाइम इंटरवल सेम लिया है तो वो दोनों एरिया सेम ही होंगे, ये जो बात है वो सेकेंड लॉ जो है उसमें उसने बताई है। तो ये क्या है वो थोड़ी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। वैसे तो आपने 7th चैप्टर जो है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है ना, टॉर्क के बारे में पढ़ा हुआ है, उसमें भी ये जो लॉ है वो आपने जो है वो डिराइव किया हुआ है, वही बात हमें फिर से बतानी है। देखिए पहले जो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये अगर ट्रायंगल में लूँ एस पी वन पी टू, इसके बारे में बताती हूँ। तो पहले एस से पी वन का जो ये वेक्टर है उसे मैं आर से दिखाती हूँ, ये प्लेनेट जो दिखाया है उसका वेक्टर मैंने आर से दिखाया है, वो इस डिरेक्शन में होगा। अच्छा कोई भी प्लेनेट ऐसे जो घूम रहा है तो ये जो प्लेनेट घूम रहा है तो उस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, सेंटर की तरफ, तो एफ इस तरफ है, तो आप देख सकते हैं आर और एफ दोनों जो है वो अपोजिट डिरेक्शन में है, ओके ठीक है। अब ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट यहाँ से कहाँ गया, पी वन से पी टू, कितना टाइम लिया उसने, डेल्टा टी, और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सपोज मैंने बोली वी है, ओके तो ये जो ट्रायंगल हुआ एस पी वन पी टू उसका एरिया क्या होगा, वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो वो हमें फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं, 1/2 ये डिस्टेंस एस पी वन और मल्टीप्लाई बाय पी वन पी टू, ये जो डिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा, ओके तो 1/2 इंटू ये जो है वो है आर इंटू पी वन से पी टू, अगर ये डेल्टा टी टाइम जो है वो कम है तो पी वन से पी टू ये कर्व की वजह हमें वो स्ट्रेट लाइन से हम ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है उसकी वेलोसिटी वी पता थी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी था, तो पी वन से पी टू ये डिस्टेंस कितना हुआ है ना, तो वो जो डिस्टेंस है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो वेलोसिटी की फॉर्मूला पता है हमें, वी इज इक्वल टू डी बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी वी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो एरिया है ना, वो एरिया है उसे मैं डेल्टा ए से बताती हूँ, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। अच्छा डेल्टा टी को अगर यहाँ ले आए तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 आर क्रॉस वी। यहाँ पर इसे मैं एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे आर क्रॉस पी चाहिए, तो मोमेंटम जो है पी, ये जो प्लैनेट है उसका मोमेंटम पी है, उसका मास मैं एम लूँ अगर, तो मेरे पास उसकी डेफिनेशन है पी इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला है एम इंटू वी, इसके हिसाब से v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाय एम लिख सकते हैं। तो अगर मैं वहाँ पे पी बाय एम लिख दूँ तो 1/2 r क्रॉस क्या लिख सकते हैं, पी बाय एम, ओके। और फिर से r क्रॉस p क्या दिखाता है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज l, मतलब ये हुआ l बाय 2m।
तो हमें क्या मिला, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, मतलब ये दोनों इक्वल है, ऐसा मिला। ओके, अब कौन सी चीज़ कांस्टेंट है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो पहले आप टॉर्क याद कीजिए कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, और क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। फिर से देखिए, यहाँ पे आर जो है वो इस तरफ है वेक्टर और एफ इस तरफ है, मतलब दोनों अपोजिट डिरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा, पाई। थीटा इज इक्वल टू पाई और साइन पाई की वैल्यू क्या है, जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा नहीं है। अगर टॉर्क नहीं लगता तो हम ये भी जानते हैं, टॉर्क मीन्स डी एल बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम टॉर्क बोल सकते हैं। तो डी एल बाई डी टी जो है, अगर टॉर्क जीरो है दैट मीन्स डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब है वो चीज़ कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे वो लिखे तो एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ही, मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी भी हमें क्या मिला, कांस्टेंट मिला। मतलब ये जो सेकेंड लॉ है वो ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो उसने जो एरिया कंज्यूम किया है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। ये जो है वो केपलर का सेकेंड लॉ है, उसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे जो है वो हम जो एरिया वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, मतलब ये देखिए आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, तो मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ, तो उसे हम एरिया वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं, केपलर का सेकंड लॉ जो अगर हम बोले तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो प्लेनेट ने जो एरिया कंज्यूम किया है, सन और प्लेनेट को अगर हम जोड़े तो वो जो लाइन है उसने जितना एरिया कवर किया है वो एरिया कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक ये बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, और बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और तीसरी चीज़ बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, उसका जो ये जो वेलोसिटी है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है ना, मतलब कि एरिया वेलोसिटी वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये तीनों चीज़ हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपका जो प्लेनेट है वो सन से दूर है तो उसका मतलब हुआ कि वो धीमे धीमे यहाँ से जाएगा, धीरे धीरे P1 से P2 है ना, स्लोली, क्योंकि तो ही, और यहाँ P3 से P4 जाएगा, मतलब सन के अगर वो नज़दीक है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ही ये दोनों एरिया सेम हो सकते हैं। आप वो सोच सकते हैं कि अगर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम है तो तब वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ही ये दोनों जो एरिया है वो सेम हो सकते हैं। तो केपलर का सेकंड लॉ है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं, और उसको मैं वर्ड में ऐसे बोलूँगी, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जो इक्वल एरियाज किया है उसने कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे हम सेकंड लॉ बोल सकते हैं। और थर्ड लॉ की भी मैं बात कर दूंगी यहाँ पे, तो थर्ड लॉ जो है वो थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स बोलेंगे हमें। देखिए यहाँ पे जो है, मैं इसे ऐसे दिखाऊंगी, टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू ए क्यू। कैपिटल टी क्या है, वो कोई प्लेनेट सपोज ऐसे हम बोले कि सन के आसपास ऐसे घूम रहा है, तो उसने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और फिर पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पर वापस आएगा, तो उसके लिए उसने जितना टाइम लिया, उसने जितना टाइम लिया वही उसका टाइम पीरियड बोल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में पूरा एक साल लगाती है, मतलब 365 डेज है ना, तो वो जो है उसके लिए कैपिटल टी हम उसे बोलेंगे। तो कैपिटल टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू ए क्यूब, तो टी क्या है, उसका जो टाइम पीरियड है वो है, और उसका जो स्क्वायर है वो किसके प्रपोर्शनल है, ए। ए मतलब क्या था, स्मॉल ए क्या था, यहाँ पे क्या बताया था आप,
आपको सेमी मेजर एक्सिस उसका जो क्यूब होता है उसके वो प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर बाई ए क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, यस। तो अगर कोई भी दो प्लैनेट के बीच में हमें जो अगर दोनों में से कोई एक का टाइम इंटरवल जो है वो पता है और ये जो ए है मतलब सेमी मेजर एक्सिस दोनों की पता है, तो जो दूसरा जो प्लैनेट होगा वो कितना टाइम जो लेगा वो एक चक्कर पूरा करने में वो हम जो है वो सोच सकते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स फर्स्ट प्लैनेट के लिए ये जो है वही सेकेंड प्लैनेट के लिए लिख सकते हैं, मतलब टी वन स्क्वायर बाई ए वन क्यूब इज इक्वल टू टी टू स्क्वायर बाई ए टू क्यूब, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब सपोज एक अर्थ है और एक मास ले लीजिए, तो अगर हम अर्थ के बारे में टी जानते हैं उसका ए जानते हैं और मार्स के लिए ए टू पता है तो उसका टी टू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है वो थर्ड जो है लॉ ऐसे बता सकते हैं। तो थर्ड लॉ जो है वो ऐसे बोलेंगे आप, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो आपको तीनों जो है उसके बारे में, तीनों लॉ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम उसके हिसाब से एक हमारी बुक के अंदर एक दिया है एग्जाम्पल, उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 8.1, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन पी इन फिगर, फिगर ए जो हमको दी हुई है, पहले मैं वो ड्रॉ कर देती हूँ। ये फिगर है, ऐसे यहाँ पर सन है, ये पी है, बी सी और ए, ओके ऐसे हमें दिया हुआ है। ऐसे बोल रहे हैं कि पी पर यहाँ पर जो स्पीड है वो वी पी दी हुई है एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस मतलब ये एस पी वो है आर पी, ये जो डिस्टेंस है एस टू पी वो कैसे दिया है, आर पी से दिखाया है। फिर क्या बोला उन्होंने, रिलेट आर पी एंड वी पी टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्वान्टिटीज एट द एपोलियन आर ए वी ए, यहाँ पे जो है वो हमें वेलोसिटी और आर के बारे में बताना है। तो एस से ए का जो डिस्टेंस है वो है आर ए, उस पर से यहाँ पर जो वेलोसिटी है वी ए उसका और वी पी का रिलेशन हमें बताना है। दूसरा आगे पूछा है, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रैवल बी ए सी एंड सी पी बी। देखिए ये जो है बी ए सी, बी ए सी मतलब ये डिस्टेंस और बाकी जो है ए सी पी बी ये डिस्टेंस, दोनों के लिए वो सेम टाइम लेगा ऐसा हमें पूछा है। ओके, पहले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं, केपलर सेकेंड लॉ, है ना, कि मतलब यहाँ पे एल क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अगर L कांस्टेंट है मतलब A के पास जितना है उतना ही P के पास होगा प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एम वी आर, वो हम चीज़ A के पास लिख सकते हैं, तो V को वी ए से बताएंगे और R को आर ए से। इसी तरह P के पास लिखेंगे तब वी पी और आर पी लिखेंगे। आपको पता है कि प्लैनेट यहाँ पर होगा कि वहाँ पर होगा, उसका मास चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसे एम ए और एम पी नहीं लिख रहे। ओके, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम अगर ऐसे लिखें, देयरफॉर आर ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी पी अपॉन वी ए होगा, ये एक हमें मिला, ठीक है। इस पर से हम क्या सोच सकते हैं, पहले ये देखिए ये जो फिगर दी है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आर ए जो है डिस्टेंस मतलब एस से ए का डिस्टेंस वो ज़्यादा है कौन किस से, एस पी से, मतलब के यहाँ आर ए इज ग्रेटर देन आर पी, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है दैट मीन्स ये जो रेशियो हुआ आर ए अपॉन आर पी इज ग्रेटर देन वन, तो ये ग्रेटर देन वन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि ये जो रेशियो है वो ग्रेटर देन वन है दैट मीन्स वी पी अपॉन वी ए इज ग्रेटर देन वन, वी ए को यहाँ ले जाइए तो वी पी इज ग्रेटर देन वी ए बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लेनेट जो है वो पी के पास है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कि किससे, तो ए के पास जब है उससे, मतलब वी ए हो
वो कम होगा VP से, ओके। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, वो हमने जो थी लॉ के लॉ जो पढ़ा तब भी वो हमने बात की हुई है, ओके। दूसरी बात, हमें एरिया के बारे में और सॉरी टाइम के बारे में पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है CBAC वो कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और BCPB दोनों में से कौन सा, मतलब सेम टाइम लगेगा कि अलग अलग लगेगा, ओके। पहले हम सन के हिसाब से देखें तो सन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया बना SBAC वो इतना एरिया हुआ, और दूसरा जो एरिया है वो कौन सा हुआ, ये SBPC है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ कौन सा, ये वाला SBAC कैसा है, ज्यादा है, ग्रेटर देन एरिया ऑफ ये जो है वो कौन सा CSB और SCPB, ऐसे लिखो SCPB। तो इसका मतलब हुआ ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है। तो अगर हमें पता है कि अगर जो एरिया मतलब टाइम सेम है तो एरिया सेम कवर होगा, अगर यहाँ पर क्या बताया है हमें कि एरिया ज़्यादा है तो टाइम भी उसे ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स ये जो कवर है, ये जो सॉरी डिस्टेंस है कौन सा BAC, उसे कवर करने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा किसके यहाँ से, ये CPB जो डिस्टेंस है उससे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी भी कम रहेगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कवर करने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हमारा आंसर हुआ, ओके। तो आज मैंने जितना पढ़ाया है फिर से आप एक बार रीड कर लेना, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।